हमारे पास क्या क्वेश्चन है? ये वो है जो हमने सबसे पहले किया था, सर्टेन नंबर ऑफ मैन डू द सेम वर्क इन 140 डेज, इफ दीज मैन आर और 18 मोर विल टेक 20 लेस देन, द सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, मैन गिवन है, डेज गिवन है, लेकिन फर्स्ट केस में मैन नहीं पता, दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। आपसे कह रहा है बट फाइव ऑफ देम बिकम एब्सेंट, अब पांच नहीं आए, तो इसका मतलब जितने भी थे उनमें से पांच कम रह गए। नाउ द जाहिर सी बात टाइम बढ़ गया होगा, ठीक है, बिकम एब्सेंट इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 12 डेज, जो बचे माइनस दिस रेस्ट डिड इट इन 12 डेज, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, तो लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन बी फाइव वर एब्सेंट, नाउ दे बिकम एक्स माइनस फाइव, तो व्हाट वी नो द फॉर्मूला, एम वन नंबर ऑफ मैन, डी वन नंबर ऑफ डेज, एच वन नंबर ऑफ अवर्स पर डे वर्किंग, द वर्क डन डब्ल्यू वन इज सेम एज दिस रेशियो इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। नाउ अब आप चेक करो हाउ मेनी क्वांटिटीज आर गिवन, जस्ट गिवन एम वन डी वन, तो इनकी जरूरत नहीं है, तो पुट द वैल्यूज, सपोज इन द स्टार्टिंग एक्स मैन डू द वर्क इन 10 डेज, नाउ एक्स माइनस फाइव डू द सेम वर्क इन, नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू से कितना फाइव, टू से कितना सिक्स, सिक्स एक्स माइनस थर्टी, यस और नो, ओपन द ब्रैकेट, सिक्स एक्स माइनस थर्टी, हियर इज व्हाट, फाइव एक्स, थर्टी दिस साइड, फाइव एक्स दिस साइड, तो सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थर्टी, दैट्स इट, स्टार्टिंग मैन वर्क 30, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन वर्क 30, तो 30 मैन डू द वर्क इन 10 डेज व्हाइल 25 डू द इन 12 डेज, क्लियर है? होता वही है जो मैंने आपसे भी कहा था, 30 और 10 का प्रोडक्ट क्या आएगा, कितना 30. और फिर हमारे पास 30 माइनस 25 एंड 12 का प्रोडक्ट कितना आएगा, m1 into d1 is same as m2 into d2, that's it, ये आप क्वेश्चन